सामने आ रही बहुचर्चित शिक्षक मनीष मुना हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। डीडवाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, बीकानेर से गिरफ्तार किया गया आरोपी। कोतवाली पुलिस के हवाले, आरोपी गुरप्रीत को किया जाएगा। घटना के बाद से पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था आरोपी, और अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बूंदी से खबर है, बहुचर्चित शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बहुचर्चित शिक्षक मनीष मीणा हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। डीडवाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया। बीकानेर से गिरफ्तारी आरोपी की हुई है। कोतवाली पुलिस के हवाले, आरोपी गुरप्रीत को किया जाएगा। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है आरोपी की। घटना के बाद से पुलिस को ये आरोपी लगातार चकमा दे रहा था। बूंदी से खबर है, बहुचर्चित शिक्षक मनीष मीणा हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, बहुचर्चित शिक्षक मनीष मीणा हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। डीडवाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी कमलेश शर्मा जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। कमलेश, जानकारी आपसे चाहेंगे पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से पुलिस ने जो है जाल बिछाया और इस जाल में ये मुख्य आरोपी फंसा? देखिए अभिषेक जी, के लंबे समय से आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार था। घटना के बाद से ये मुख्य आरोपी हत्या का गुरप्रीत सिंह, ये जो फरार चल रहा था, इसको लेकर बूंदी पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, आसपास सभी राज्यों में और पूरे प्रदेश में जगह जगह छापेमारी की हुई थी। वहीं बूंदी पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार पूरे मामले में जो निगाह बनाए हुए थे, और उनके सुपरविजन में ही जो पुलिस है, उन्होंने आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया है। अब आरोपी को कोतवाली पुलिस लेने के लिए रवाना हो गई है। डीडवाना पुलिस आरोपी को कोतवाली पुलिस को सौंपेगी और बूंदी लाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी कमलेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। जी।